तो तुम फाइनली सड़े हुए हॉस्टल से जा रहे हो वहाँ। सॉरी यार, वो उस दिन गुस्से में बोल दिया था मैंने। आई एम सॉरी अगेन। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि ये याद दिलाना था कि नेक्स्ट टाइम रिएक्ट करने से पहले मामूली सा थोड़ा सा सोच लिया करो यार। इंसान ना बहुत खसारे में है, पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़बान से लोगों के जज्बात को काटता है और उसके नतीजे में रिश्तों को खो बैठता है। रिश्तों को बचा लिया करो दोस्त, बहुत कीमती होते हैं। तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, एहसास, प्यार, मोहब्बत। काश मुझे पहले मिले होते। हर शय का एक वक्त होता है, और यार मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं। ये तो तुम्हारी अच्छाई है कि तुमने अच्छी चीजों को अडॉप्ट किया। बहुत सारे रूममेट्स बनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम मुझे हमेशा याद रहोगे। अपने घर का एड्रेस सेंड करूंगा, मिलने आना, अच्छा लगेगा। जरूर आऊंगा। इतनी चाय बनाकर पिलाई है तुम्हें। अब मेरा भी हक बनता है कि तुम्हारे हाथ की बनी चाय पियो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। खैर, चाय बनाना भी तो तुमसे सीखी है मैंने, लेकिन चाय अभी तुम अच्छी बनाते हो। चलो जहां रहो खुश रहो, अल्लाह तुम्हें अपनी सम्मान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा, मेरी एक बात मानोगे? नमाज की पाबंदी शुरू करते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही करूंगा। कोई बात? अरे कोई बात नहीं।